ओके सो आज जो है हम करने वाले हैं एनालिसिस जर्मनी वर्सेस जापान का। एंड मैं टैक्टिक्स बोर्ड पर आऊंगा, लेकिन यार व्हाट अ ग्रेट रिजल्ट फॉर जापान। एंड आई नो कि बहुत से अंडरडॉग्स हैं यार, मैं देख रहा हूँ। साथ गुजर साहब कह रहे हैं यार, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ब्रो। मैं 15-20 मिनट ही रुकूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कल मैंने भी ऑब्वियसली ऑफिस जाना है। मैं 12 बजे ऑफिस से आज फ्री हूँ। फिर मैं रिसर्च करता रहा और मैं देखता रहा। मैंने गेम देखी फुल मैच स्पोर्ट्स के ऊपर। आप पूरा मैच दोबारा से देख सकते हो। वेबसाइट का नाम है fullmatchsports.com, तो उधर जाके मैंने देखा। एंड आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि जापान ने ऐसा क्या टेक्टिकल मास्टर क्लास किया कि जिससे जर्मनी जो है वो बिल्कुल उनको लास्ट 15 मिनट्स में स्पेशली उनको बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया। सो चलते हैं भाई टेक्टिकल बोर्ड पे, जर्मनी वर्सेस जापान। आज एक ऐतिहासिक, आज एक तारीखी जो क्या कहते हैं लम्हा है जापानीज के लिए, बिकॉज दे हैव गॉट अ ग्रेट विन। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद जर्मनी अपना जो ग्रुप है उससे नॉकआउट हो जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और 2002 के बाद ये एक अपसेट्स का वर्ल्ड कप हमें दोबारा से नजर आ रहा है। हमें देखना होगा कि क्या वो उस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं या नहीं अगली गेम में। इस ग्रुप में स्पेन भी है, दे हैव टू फेस स्पेन एज वेल। और स्पेन ने 7-0 हराया कोस्टा रिका को। तो भाई स्पेन इज लुकिंग डेंजरस अंडर लुइस एनरिके, जो कि 2015 में बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग जीत चुका है। अब उसने 7-0 हरा दिया कोस्टा रिका को। तो अब हमारे टैक्टिक्स बोर्ड पे, मैं तुम लोगों को टैक्टिक्स बोर्ड पे लेके आता हूँ यहीं से। एंड ये हमने शेयर स्क्रीन की। मुझे बताना अगर शो हो रहा है कि नहीं भाई, मुझे बताना अगर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ये हम आ गए हैं टैक्टिक्स बोर्ड पे। लेट मी चेक ऑन द यूट्यूब चैनल। शो हो रहा है, शो हो गया या नहीं हुआ? लेट मी चेक, लेट मी चेक। हाँ शो हो गया। ठीक है ठीक है, शो हो रहा है। ओके अच्छा, तो भाई ये सिनेरियो था। 4-2-3-1 खेल रही थी जापान और 4-2-3-1 ही खेल रही थी जर्मनी। बट जापान जो है वो जरा डिफेंसिव, नेचुरली वो डिफेंसिव है, बिकॉज दे डोंट हैव प्लेयर्स इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा और मतलब वो नजर आए। अब तुम्हें क्लियर नजर आ रहा होगा, आई एम श्योर। हाँ तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मुसियाला जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास, जो टेक्निकली गिफ्टेड हैं और ग्लैमरस और फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं। गंदोगान है जो कि गेम को कंट्रोल कर रहा था। गंदोगान गेम को कंट्रोल कर रहा था जब तक वो गेम के अंदर था। और मेरे ख्याल से 67 मिनट पे गंदोगान को हटाया गया और गुरेट्स्का को लाया गया। और वहां से स्टार्ट होता है इस कहानी का इंटरवल। किमिक और गंदोगान खेल रहे थे डबल पिवट के अंदर। रूडिगर खेल रहा था, श्लॉटरबैक खेल रहा था, राउम खेल रहा था एंड सूले। मुझे ऐसा फील होता है कि सूले को नहीं खेलना चाहिए था। अगर कैरर फिट था तो कैरर को आपको यहाँ पर राइट बैक पोजीशन के ऊपर खिलाना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड आई थिंक मुसियाला जो है ही इज बेटर सुटेड फॉर अ नंबर 10 रोल। अगर तुम गौर से देखो तो ये जो चार के चार प्लेयर्स हैं, यानी कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो चार प्लेयर्स हैं, ये चार, ये दोनों नंबर 10 पोजीशन में ज्यादा अफेक्टिव होते हैं जब ये सेंटर ऑफ द पार्क में ऑपरेट कर रहे होते हैं। दे आर मोर अफेक्टिव। हाँ आप ये डिबेट कर सकते हो और ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर्ज नाबरी जो है वो वाइड भी ड्रिफ्ट हो तो तब भी वो अफेक्टिव होता है। बट बाकी अगर टीम को देखो, मुलर को देख लो, हैवर्ट्स को देख लो, ये इंटरचेंज करते हैं। हैवर्ट्स को बिल्कुल समझ आज नहीं आ रही थी कि किस तरह से इनको पेनिट्रेट किया जाए जैपनीज को। जैपनीज क्या कर रहे थे, जैपनीज का मैं बताता हूँ। जैपनीज वर लाइक 4-4-2 का बैंक था। 4-4-2 बैंक था डिफेंसिव फेज में। जब भी बॉल उनके पास नहीं होती थी, बॉल लूज वो करते थे तो वो इस शेप में आ जाते थे और वो बिल्कुल यहां से पेनिट्रेट नहीं करने देते थे। सेंट्रल पेनिट्रेशन थी और इधर बिल्कुल टक इन कर गए थे। मींस के इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे टक इन कर जाते हैं तो विंग स्पेस स्पेस ही स्पेस थी, इधर भी स्पेस ही स्पेस थी। ये मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट हाफ की कहानी सुना रहा हूँ। एंड डेविड रॉम इस स्पेस को एक्सप्लॉयट कर रहा था। गधों की तरह वो भाग रहा था इस स्पेस के अंदर और वो इसको एक्सप्लॉयट कर रहा था पूरे तरीके से। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इन्होंने देखो, मुलर आया हुआ था, मुलर वॉज हेयर, हैवर्ट्स वॉज हेयर, अबे यार किधर चला गया, हैवर्ट्स था ठीक है, मुसियाला एंड गनाबरी, ये जो थे ना, ये कोशिश कर रहे थे कि ये न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी दे कर किसी तरह पेनिट्रेट कर सकें जापान को। एंड इन्होंने कोशिश काफी की
कि ये जो पूरा एरिया है इनको खींच लिया जाए, मतलब इसको अंदर खींच लिया जाए, ये जो जापानीज की जो लाइन थी डिफेंसिव लाइन और जो मिडफील्ड की लाइन थी, और मुलर ने इधर से ही जब इनको अंदर खींचा थोड़ा सा इसने, तो यहीं से इसने एक पास दिया राउंड को। राउंड बिल्कुल खुला था, वो खुला हुआ, और यहाँ से गोंडा जो है, जो इनका गोलकीपर है, ही मेड एन एरर ऑफ जजमेंट, और फिर उधर से उनको पेनल्टी मिल गई। एंड देन यू ऑल नो द रेस्ट इज हिस्ट्री, गंदोगान स्कोर्ड। अब गंदोगान जो था इस गेम का बादशाह था, जब तक वो फील्ड के ऊपर था वो गेम का बादशाह था। गेम से जैसे ही वो उतरा है, ही वॉज कंट्रोलिंग द गेम, ही वॉज ऑर्केस्ट्रेटिंग, ही वॉज यू नो इन कंप्लीट कंट्रोल। जब तक वो पिच पे था ऐसा लग रहा था 1-0 आराम से जीत जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हांजी फ्लिक जो है लेकर आता है गोरेट्स्का को, एंड गोरेट्स्का आता है और गंदोगान चला जाता है। यहां पर ट्विस्ट आया था। दिस वॉज द मोमेंट द गेम चेंज, और पूरा कंट्रोल जर्मनी के हाथ से निकल गया। जर्मनी पहले ही नंबर 10 खिला रहा था, पहले ही यू नो जो उनका फ्रंट फाइव था वो पेनिट्रेशन करने में उनको मुश्किल होती थी, हैवर्ट्स को पेनिट्रेशन करने में मुश्किल होती थी, बिकॉज 4-2 के ब्लॉक को वो नहीं कर पाए थे, बिकॉज उनको बार बार बॉल यहाँ वाइड स्पेसेस के अंदर मूव करनी पड़ी थी, तभी वो कोई अटैक बना पाते थे। सेंट्रल पेनिट्रेशन से उनका कुछ भी नहीं बन रहा था, दे वर नॉट इफेक्टिव इन दिस एरिया, क्योंकि उसको आउट नंबर कर रही थी जापान ऑलरेडी। जापान ने फिर सेकेंड हाफ में किया क्या, सेकेंड हाफ में ऐसा क्या किया जापान ने कि वो जो 2 गोल हैं वो पड़ गए? मैं बताता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। देखो सीन ये हुआ कि जब हमने देखा कि यहाँ पर आता है एक एक ऐसा किरदार आता है इस मैच के अंदर जिसका नाम है टोमियासु, जो कि आर्सेनल का प्लेयर है हम सब जानते हैं, एंड टोमियासु यहाँ पे आता है, ठीक है। दिस मैन हैड अ ग्रेट गेम एज वेल, इटाकुरा इसका नाम है, ये मैं इनको जरा पीछे कर देता हूँ, इटाकुरा इसका नाम है, एंड इटाकुरा हैड अ ग्रेट गेम। योशीडा जो है वो साउथहैम्पटन के लिए खेलता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बनाया एक बैक थ्री बन गया, ठीक है, यहां तक समझ आ गई होगी। अब यहां पर एक और किरदार की एंट्री होती है, जो कि मैनेजर ने एस्ट्यूट काम किया अपनी सब्स्टिट्यूशंस करके, वो ले आया उसको मिटोमा को। मिटोमा ने क्या किया, मिटोमा का जो रोल था वो ये था कि उसने नागाटोमो बाहर गया और ये आ गया, तो ये 2 किरदार अब नए आ गए हैं। सो 3-4-3 अब बनेगा, मीन्स के यहां पर आएगा ईटो, ठीक है, ईटो होता राइट विंग बैक, और यहां पर मिटोमा था जो कि था लेफ्ट विंग बैक। 5 डिफेंडर हो गए, कितने हो गए, 5 डिफेंडर हो गए, सही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडो जो है वो यहाँ पर आपको पेनिट्रेशन दिखा रहे हैं, एंड साथ में मुझे नहीं पता मेरा ऑफिस वाला बंदा मुझे इस वक्त क्यों मैसेज कर रहा है, मैं ऑफिस छोड़ के आ चुका हूँ, इस मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। एनीवेज तो एंडो जो है, एंडो आ जाता है, फाइव फाइव का ये बैंक बन जाता है, और फिर 2 सेंटर आपको वो नजर आएंगे, टनाका जो है वो बाहर चला जाता है, टनाका भी चला गया था, कमाडा आया था, मींस के 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स थे। 5-3-4-3 की शेप अब बनती जा रही है। माइडा वाज गॉन, ठीक है, सकाई गॉन, सकाई भी चला गया, कुबो को भी निकाला, कुबो को निकाला था तभी टोमियासु आया था। अब हम लेकर आते हैं जो मिनामिनो है उसको, मिनामिनो मिनो वाज ऑपरेटिंग ऑन दिस लेफ्ट चैनल, लेफ्ट चैनल के ऊपर मिनामिनो था, एंड डुआन जो था वो राइट विंग चैनल पे था, जब जब ये सब्स्टिट्यूशंस हुई है सारी। और जो विनर जिसने मारा था, जिस बंदे ने विनर विनर मारा था, यानी कि फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर असानो, ये 2016 में आर्सेनल के लिए खेलता था एक जमाने में। सो ये अब शेप बनती है जब वो 5 सब्स्टिट्यूशंस होती है सेकेंड हाफ के अंदर। अब जब ये शेप बनती है तो देखो यहाँ पर इनको एक डिफेंसिव सॉलिडिटी भी मिल गई है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ईटो जो है वो अब प्ले को स्ट्रेच करेगा और मिटोमा प्ले को स्ट्रेच करेगा, और अब बनेगा फ्रंट फाइव। यहां से तबाही शुरू होती है, बर्बादी शुरू होती है जर्मनी की। जब मिटोमा आता है एंड ही स्ट्रेचेस द प्ले, इटो स्ट्रेचेस द प्ले, इधर मिनामिनो आ रहा है, यहां पर असानो आ रहा है, एंड यहां पर आ रहा है डुआन, ठीक है। अब ये 5 बंदे एक साथ आके वेव ऑफ वेव अटैक्स करें काउंटर पे, बॉल जीतो काउंटर मारो, बॉल जीतो काउंटर मारो, ये मेन प्लान था। और जब न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी थी तो वो गोरेट्स्का को और किमिक को ओवर पावर कर रहे थे, ये जो 2 बंदे थे ये बिल्कुल ओवर पावर हो रहे थे बिकॉज ऑफ दीज 3 पीपल एंड दिस गाय। और इन लोगों को जो इनका जो क्या नाम है राउंड था, राउंड को समझ नहीं आती कि भाई मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज ये 5 बंदे स्ट्रेच कर रहे थे प्ले को, और राउंड बार बार अंदर की तरफ वो खींचा चला जा रहा था, खींचा चला जा रहा था। सूले भाई, ही हैड अ टेरेबल गेम,
इसीलिए कह रहा था कि कैरर को खिला देते तो वो शायद शायद ज्यादा बेहतर साबित होता। सूले भी अंदर खींचा जा रहा था। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि पांच बंदे होते थे एंड वहां पर हमेशा कमांडा जो था वो एक इंस्टिगेटर के तौर पे, चीफ क्रिएटर के तौर पे पीछे से स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा था। जैसे गंदोगान जर्मनी के लिए स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा था, उस तरह कमांडा जो था वो स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा था जापान के लिए। तो अब देखो कि जब हम आखिरी 20 मिनट में पहुंचते हैं तो ये जो छह बंदे ये हमेशा बॉक्स के अंदर अराइव करने वाले हैं। दे नो कि उनका एक ही मिशन है और वो है बॉक्स में अराइव करना। और जब पहला गोल पड़ता है जो कि उसने मारा था, इसने डुआन ने, जब डुआन ने गोल मारा था तो ये दोनों डिफेंडर्स जो थे वो यहाँ पर खींचे गए थे। बिकॉज बिकॉज इसको गौर से सुनना, मीना मीनो जो था, मीना मीनो और कमाडा और मिटोमा, इन दोनों को तो खींच लिया इन दोनों ने, और असानो ने खींचा हुआ था इसको, और राउंड भी इस तरफ टकन हो गया था बिकॉज उसकी पोजिशनल प्ले बिल्कुल शिट था आज, एब्सोल्युटली शिट। सेकेंड बॉल जो है वो फ्री किक के ऊपर हुआ है, और जब सेकेंड गोल फ्री किक के ऊपर हुआ तो उसमें एक बंदा जो था उसका किरदार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था सूले। सूले ने ऑन साइड कर दिया था क्या नाम है इसको, जो असानो को, एंड असानो मेड अ डायगनल रन लाइक दिस, एंड वहां से उसने फर्स्ट टच इतना प्यारा लिया। डेनिस बर्कैम्प की मुझे याद आ गई, हम एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, डेनिस बर्कैम्प वाला उसने टच लिया, ही जस्ट वेंट हेयर। नॉयर को अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे जाऊं या मैं पीछे जाऊं, उसका वहां पर एरर ऑफ जजमेंट नॉयर का था। अगर कोई और गोलकीपर होता तो उसको शायद ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता, बिकॉज 10 मिनट पहले ही इसी मैच में मैनुअल नॉयर ने एक वर्ल्ड क्लास सेव किया था, वरना 3-1 हो जाता। तो वहां पर समझ नहीं आई, एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ग्रेट फिनिश फ्रॉम असानो, जो कि असानो ने किया। अगर आपने पहला सेकेंड गोल अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल उसको नियर पोस्ट पे बीट कर दिया, और नियर पोस्ट पे नॉयर कभी बीट नहीं होता, कभी बीट नहीं होता यार। वो वही बात है कि उसकी एरर ऑफ जजमेंट थी ही ना, वो उसने आगे कमिट किया हुआ था ना वो बैकफुट पे था। सो अगर वो पीछे भी रहता तो आई थिंक वो सेव कर लेता वो गोल, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उस शॉट के अंदर इतनी पावर थी जो कि असानों ने की। सो जब भी हम मिडफील्ड की बैटल देखते हैं तो मिडफील्ड में हम एक पेंटागॉन किस्म की एक शेप देखते थे, कि अगर आप देखो यहाँ पर मीनामीनो को मैं ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले आता हूँ मिटोमा को, एंड मिटोमा समटाइम्स यहाँ यहाँ पर भी होता था। सो आपको एक पेंटागॉन टाइप की शेप नजर आती है। डुआन यहाँ पर है, मीनो यहाँ पर है, यहाँ पर असानो है। सो ये मिटोमा हुआ, ठीक है, एंड नाउ दिस इज कमाडा। सो मिटोमा कमाडा, या फिर यहाँ पर एंडो आ जाता था और मिटोमा थोड़ा सा आगे निकल जाता था। तो ये सेंट्रल जो मिडफील्ड थी ना, सेंट्रल ये वाला जो एरिया, जो ब्लू एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ, इधर वो गेम जीत रहे थे क्योंकि इधर ही बॉल को वो काउंटर प्रेस करके बॉल जीतते थे उसी टाइम पे, 3 सेकंड भी लगाते थे और वो बॉल जीत रहे थे, क्योंकि मिडफील्ड में जर्मनी का पेस निकल गया, जर्मनी की रूह निकल गई, जर्मनी का कंट्रोल निकल गया। जब गंदोगान गया, गंदोगान की सब्स्टिट्यूशन जर्मनी की मौत थी इस मैच के अंदर, जर्मनी मर गई उसी टाइम जब गंदोगान बाहर गया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप क्यों लेके आए हो 74th मिनट पे, आई थिंक यू ब्रिंग इन गोटसे, यू ब्रिंग इन मारियो गोटसे, भाई उसका पेस ही नहीं है। आप उससे बेहतर था कि तुम ले आते भाई मकोको को, जो कि टीनेजर है, आई नो ही इज वेरी यंग, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन भाई उसके पास पेस है, वो आपको डायरेक्टनेस प्रोवाइड कर सकता है। ही प्लेस फॉर बोरसिया डॉर्टमुंड, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी क्लब के लिए खेलता है, एंड ही इज वेरी गुड प्लेयर। तो मुझे नहीं समझ आया कि भाई इसको पहले क्यों नहीं लाया गया, और क्योंकि इसको 90th मिनट में ले लेके आए हो। आपको चाहिए था कि आप गोडजे को, जो कि एक खत्म प्लेयर हो चुका है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट गोडजे इज फिनिश्ड, वो एक खत्म प्लेयर है, और आप उसको ले आए हो गोडजे को, 2014 वाला तो गोडजे वो है नहीं। सो जब 3-4-3 स्ट्रक्चर बना, जो मैं समझाना चाह रहा था इसका, जापान का, तब हमें फील हुआ कि भाई अब शायद जापान के पास कंट्रोल कंट्रोल आ गया था। उस टाइम कंट्रोल आ गया था बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल ऑफ द पार्क में पेंटागॉन प्रेसिंग हो रही थी। पेंटागॉन बोले तो वो जो तीन उनके फ्रंट थ्री था, जिसमें डुआन, असानो, जिन्होंने दोनों ने गोल मारा, और ये दोनों बुंडेसलीगा में खेलते हैं, मीना मीनो जो कि एक फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर है, एंडो एंड कमाडा, ये पांच बंदे कुत्ते की तरह प्रेस कर रहे थे, और वो क्या कहते हैं, फुल जो है ना, एक टैक्टिकल ब्रिलियंस नजर आ रही थी वहां पे जो मैनेजर है उसकी तरफ से। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैनेजर ने बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए, आई थिंक उसने राइट टाइम पे डिसीजंस लिए और वो डिसीजंस वर्क कर गए। तो ये गेम वैसे 1-1 होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम एरर ऑफ जजमेंट
एंड बिकॉज ऑफ बैड सब्स्टिट्यूशंस बाय हांसी फ्लिक जो कि जर्मनी का मैनेजर है, ये गेम जो है ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद होगी जर्मनी के लिए, और अब जर्मनी जो है वो नॉकआउट होने के नहज पे है। अगर किसी के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ, वेट अ मिनट लेट मी चेक कि अगर कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। हाँ मरहबा मेहनती लड़के, टेक्नो वली ने हमें कहा है मरहबा मेहनती लड़के। वली भाई क्या हाल है, कैसे हो यार? आई होप साथ भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं और वली भाई भी जुड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि जर्मनी का आगे होगा क्या, व्हाट विल जर्मनी डू नेक्स्ट, बिकॉज जर्मनी के लिए स्पेन को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। जर्मनी हम जानते हैं 4 बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 बार वो फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एंड दिस इज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन जर्मनी जो है वो इस वक्त। एंड मैं आज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से टेक्टिकली आउट क्लास कर दिया जाएगा हांजी फ्लिक को। हांजी फ्लिक की जो है ना एक काउंटर प्रेसिंग वाली, कि वो स्पेसेस को सफोकेट करने की कोशिश करता है, आज भी उसने यही कोशिश की जो मैं बता रहा था कि स्पेसेस को उसने सफोकेट किया इन द फर्स्ट हाफ। उसका प्लान वर्क कर रहा था जब तक 4-2-3-1 था, लेकिन जैसे ही 3-4-3 हुआ, जो कि मॉडर्न फुटबॉल की एक छाप है, 3-4-3 मॉडर्न फुटबॉल की एक हम अक्सर कहते हैं कि छाप आ चुकी है, और मिटोमा जो है ब्राइटन का प्लेयर है वो लेफ्ट विंग बैक पे शिफ्ट हुआ, इटो जो है राइट विंग बैक पे शिफ्ट हुआ, कमाडा एंडो ने कमान संभाली डबल पिविट के अंदर, दिस इज द डबल पिविट, एंड फॉर्मर साउथहैम्पटन प्लेयर एंड आर्सेनल प्लेयर, ये इनका कॉम्बिनेशन और इटाकोरा की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, उसने जो है तबाही मचाई, बर्बादी मचाई, एंड ऑब्वियसली ये जो फ्रंट थ्री था दिस टर्नड आउट टू बी डेडली, क्योंकि ये जब फ्रंट थ्री सेकेंड हाफ में आया, क्योंकि ये तीनों सेकेंड हाफ में है, 5 सब्स्टिट्यूशंस अलाउड है, और हमने देखा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 5 सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल ही जो मैच का नक्शा है वो चेंज कर देती है। सो एंड एब्सोल्युटली यू नो जापान बिल्कुल एक्सटेटिक होगी, और एक बहुत ही ऐसा रिजल्ट था जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैं प्रेडिक्शन देता तो मैं तो यही कहता कि जर्मनी को नैरो विक्ट्री मिलेगी, लेकिन शायद विक्ट्री मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जापान पहले भी अपसेट्स कर चुकी है, हम जानते हैं पिछले वर्ल्ड कप्स में भी उनका एक रिकॉर्ड रहा है, 2002 में भी उन्होंने एक अपसेट किया था बड़ा। सो प्लेयर्स भी उनके पास अच्छे हैं, आप देखो ना बेंच से उठ के आ कौन रहा है, ये भी तो देखो मिनामिनो आ रहा है, एक्स फॉर्मर प्लेयर है, ये दोनों जो है मैंने जैसे बताया बुंडेसलीगा के लिए खेलते हैं, डुवैन हो गया जिसने गोल मारा, असानो ने गोल मारा, एंड योशिडा साउथहैम्पटन प्रीमियर लीग का प्लेयर है, टोमियासू प्रीमियर लीग का प्लेयर है, आर्सेनल के लिए खेलता है, सो अच्छे प्लेयर्स थे इनके पास। जैसे ही कोबू गया ना, कोबू जब गया, कोबू वॉज प्लेइंग ऑन दैट लेफ्ट विंग जहां पे मिनामिनो को मैंने दिखाया हुआ है, कोबू जब गया एंड वहां पे आया टोमियासू और इधर लेके वो आया मिटोमा, वहां से गेम चेंज हो चुकी थी, गेम चेंज हो गई थी, कंट्रोल जापान के पास आ गया था, लेकिन गोल मारने थे और गोल मारने के लिए वो तीन तुरब के पत्ते वो फिर लेके आया जिसका नाम था असानो, डुवैन और मिनामिनो। एंड देन जब गंदोगान को 67 मिनट में हटाया गया, वहां पर जापान को एक वे मिला, एक रास्ता मिला, एक दरवाजा खुला उनके लिए, और उन्होंने बिल्ली की तरह झपटा मारा जर्मनी के ऊपर, उन्होंने चीर फाड़ के रख दिया। दिस इज व्हाट हैपेंड इन जापान वर्सेस जर्मनी, एंड जापान डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर देयर टेक्टिकल ब्रिलियंस, फॉर देयर ब्रेवरी, कि उन्होंने बहुत सी फॉर्मेशन ट्राई की, 4-3-3 एक ही मैच के अंदर, 4-2-3-1 पे गए, 4-3-3 पे गए, और फिर 3-4-3 पे चले गए जिसने उनको मैच जितवाया। सो ये आज का मेरा टेक्टिकल एनालिसिस था जो मैं करना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर फुटबॉल की मेरी वजह से थोड़ी सी भी आपको समझ आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। मैं इस वीडियो की अभी एक प्रॉपर, ये लाइव स्ट्रीम इसकी फॉर्म है, मैं इसकी प्रॉपर एक वीडियो फॉर्म अभी बनाऊंगा, बिकॉज अभी मैंने हैशटैग्स भी डालने और बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं ऑफिस से लेट हो गया था, तो अभी मैं काफी चीजें इसमें मैंने करनी है। सो जब इसकी वीडियो फॉर्म आएगी उसको भी जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड या स्प्रेड लव एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी, गुड नाइट, हस्ता ला विस्ता, एंड मैं थोड़ा वो देख लेता हूँ अगर कॉमेंट्स आते हैं तो, रुको। हाँ थोड़ा समझ आई है, थोड़ी सी समझ आई है, वली भाई ने कहा थोड़ी समझ आई है, हाँ। सो हस्ता ला विस्ता, आप भी सो जाए, मैं भी सोने वाला हूँ, मैंने कल ऑफिस जाना है, सो
सी यू टुमारो, एक और मैं पोस्ट मैच एनालिसिस या प्री मैच एनालिसिस के साथ आऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि फुटबॉल की जगत में फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्या हो रहा है। सी यू टुमारो, बाय बाय।